सबसे पहले मैं कारी और पंडित को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। लेकिन ये बोलने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जैसा सबको, जैसा ये महबूब साहब ने बहुत ही तफसील में बता दिया है कि हम लोग का ये डिमांड, वो सिर्फ एक ही डिमांड है कि ना खुदा मस्जिद में नए इमाम नहीं, बल्कि 300 साल जब से मौलाना साबिर साहब नहीं रहे तब से वहाँ पे नए इमाम चला आ रहा है और एक इमाम परमानेंट इमाम की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ से ये डिमांड करते हैं, सिर्फ हम नहीं बल्कि यहाँ पे तो काफ़ी लोग आने वाले थे, काफ़ी कई लोगों ने हमसे भी तो कॉन्टेक्ट किया, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा जमा करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लोगों को वहाँ पे पुलिस से, हमारे इंतजामिया से बात की है, उन्होंने कहा है कि नहीं भीड़ की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ये काफ़ी कम तादाद में यहाँ पे लोग इस बात को कर रहे हैं। आगे अगर इस बात को, हमारे डिमांड को नहीं माना गया तो ये तहरीक यहीं तक नहीं रहेगी, ये नाखुदा मस्जिद तक जाएगी। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि आप लोग एक नए इमाम की जगह इमाम साहब को मुकर्रर किया जाए और ये जो पॉलिटिकल तौर पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है इमाम साहब को, इस मस्जिद से इमाम की इजाजत बिल्कुल हम लोग नहीं देंगे। अगर आपको इमामत ही करना है, अगर आपको इमामत करना है और इमामत छोड़ करके अगर सियासत करना है तो आप सियासत में आ जाइए। हमारे मजहब में बताया गया सियासत कोई खराब चीज नहीं है, आप सियासत कीजिए, लेकिन ये दो तरह का काम नहीं चलेगा। तो मैं आज, अब हम लोग यहाँ से डिपुटेशन देने जाएंगे मतली साहब को और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हम लोग सब मिलकर यहाँ से गुजारिश करेंगे कि भाई आप एक जो है मुकर्रर और परमानेंट तौर पे इमाम मुकर्रर कीजिए, और अगर इस तरह का नहीं हुआ तो ये तहरीक बहुत आगे तक जाएगी। शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now